हाय फ्रेंड्स, कल तक हमने मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ जाना था। तो कल मैंने रिवीजन भी लिया था, जो पिछले वाला हमारे प्रैक्टिकली क्लास में हो गया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो पिछले वाला जो सिलेबस मैंने कल बताया था वो पूरा रिवाइज किया होगा। नहीं किया था प्लीज रिवाइज कीजिएगा। और आज का सेशन देखने से पहले आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं बुक में जो पढ़ाने वाला हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं किस लाइन पर हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आज का आपने जो बुक का पेज नंबर है 148। ओके, तो आपको आपके हाथ में बुक होना चाहिए। यदि आपके पास बुक नहीं तो ICMAI के साइट पर जाकर आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट कॉर्नर पर जाना है, वहां से आप अपना बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। तो हमें पता है कि कल तक प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग कैसे की जाती है, सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी हम इन डिटेल देखेंगे सिलेबस की सब प्लानिंग असल में होती क्या है। ओके, चलो आज देखेंगे, आज के सेशन में देखेंगे प्लानिंग के फीचर्स। प्लानिंग का फर्स्ट फीचर है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अलग अलग पांच फंक्शंस है, हमें पता है। उसमें से पहला फंक्शन है प्लानिंग, और प्लानिंग द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें सबको पता है प्राइमरी फंक्शन है। क्यों प्राइमरी फंक्शन बन गया ये? क्योंकि इस प्लानिंग फंक्शन के तहत ही कंपनी के प्रोसीजर्स, कंपनी के गोल, कंपनी के प्रोग्राम, कंपनी के प्रोजेक्ट सारे के सारे डिसाइड किए जाते हैं। इसलिए प्लानिंग को मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट सेकंड वन, प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग किस लिए की जाती है? कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल सेट करना, और गोल सेट करने के बाद उस गोल को एक्वायर करने के लिए जो काम डिसाइड किया जाता है, जो काम का ढांचा यानी कि प्रोग्राम किया जाता है, उसे कहेंगे गोल ओरिएंटेड। जो प्रोग्राम ओरिएंटेड जो करते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम को कहते हैं गोल ओरिएंटेड प्लानिंग करना। ओके, दिस इज सेकंड फीचर। प्लानिंग इज एम एट डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड डिजाइन द अप्रोप्रिएट एक्शन प्लान इन द ऑर्डर टू अचीव दिस गोल। प्लानिंग के तहत हम गोल डिसाइड भी करते हैं, और वो डिसाइड किए वाले गोल एक्वायर करने के लिए, अचीव करने के लिए एक प्रोसीजर यानी कि प्रोग्राम डिसाइड करते हैं। और दोनों बातें प्राइमरी फंक्शन में होती है, यानी कि प्लानिंग में होती है। तो प्लानिंग कैसी है? पहले तो प्राइमरी फंक्शन है, सेकंड वन गोल ओरिएंटेड है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आपको भी स्किल भी होनी चाहिए, साथ में इंटेलिजेंस यानी कि नॉलेज भी होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस का प्लानिंग हो या कोई भी प्लानिंग हो, तो प्लानिंग करने से पहले आपके बारे में उस जो जिसकी प्लानिंग कर रहे हो उस प्लानिंग के रिगार्डिंग आपके पास नॉलेज होना चाहिए, यानी कि इंटेलिजेंस होना चाहिए। ओके, तो पहले पास आपके पास तो स्किल होती है, जैसे कि आप एज ए ह्यूमन हो तो आपके पास बहुत अलग अलग स्किल ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, जैसे कि अलग अलग काम करने के तरीके आपके पास खुद के ही होते हैं। ओके, तो इंटेलिजेंस बनाना पड़ता है, कहीं से स्टडी करके देखना पड़ता है, किसी को ऑब्जर्व करके इंटेलिजेंस आता है, तो कोई स्टडी करके ऑब्जर्व इंटेलिजेंस एक्वायर करता है, तो अलग अलग तरीके। लेकिन काम करने के लिए इंटेलिजेंस होना चाहिए, यानी कि प्लानिंग के लिए इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड वर्ड्स ऑफ दियोहेमन। दियोहेमन ने एक हमारी बात उसके रिगार्डिंग प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के बारे में एक डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन के तहत देखेंगे व्हाट इज मीन द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्लान। ओके, प्लानिंग रिक्वायर्ड अ मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू लिंक बिफोर द एक्टिंग, यानी कि कोई भी काम करने से पहले जो काम डिसाइड किया जाता है वो लिंक बनाई जाती है, उसको क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। उस लिंक बनाना इतना इजी नहीं होता, आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी हम कोई काम करने का मार्ग ढूंढ सकते हैं, वे पाथ ढूंढ सकते हैं। दिस इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इसीलिए प्लानिंग को इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कहा गया है। To act in this light of fact rather than the guesses and generally speaking to do things in orderly way. आपको guess ही करना नहीं, साथ में future भी देखना पड़ेगा, future भी देखना पड़ेगा, future के साथ planning करना पड़ेगा। Without future देखते ही आप planning कर नहीं सकते। जैसे corona on the spot आ गया, तो corona की वजह से बहुत सारी जो pre-decided planning है वो dispose हो गई, यानी कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, हम मिल भी नहीं सकते। तो वीडियो लेक्चर हमारे पास आ गए, स्पॉट लेने की प्लानिंग डिसाइड भी करनी पड़ती है। ओके, तो प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। आपको इंटेलिजेंस होने के बगैर आप प्लानिंग नहीं कर सकते, यानी कि अब तक तीन फीचर देखे, दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, नेक्स्ट वन गोल ओरिएंटेड, एंड थर्ड वन द प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर फोर, प्लानिंग इज अ परवेसिव।
प्लानिंग परवेज यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट तीन लेवल पर होता है, एक टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल पर भी प्लानिंग की जाती है कि बिजनेस करना है तो बिजनेस का गोल क्या होगा, बिजनेस कब तक किया जा सकता है, बिजनेस में कौन से ऑब्स्टेकल्स यानी कि अड़थड़े आ सकते हैं, ये सारी बातें हम कहां पर देखते हैं, टॉप मैनेजमेंट में। ओके, तो प्लानिंग वही पर भी होता है। नेक्स्ट सेकंड वन मिडिल लेवल होते हैं। मिडिल लेवल वाले पर्सन, मिडिल मैनेजमेंट में काम करने वाले पर्सन क्या सोचते हैं कि सीनियर से ऑर्डर मिली है, सीनियर ने जो डिसाइड किया है वो कैसे काम किया जा सकता है, कैसे करवाया जा सकता है, ये काम किसका है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। यानी कि प्लानिंग कौन करते हैं, मिडिल लेवल भी करते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड लेवल है हमारा बॉटम लेवल, यानी कि लोअर लेवल कहते हैं। ओके, बॉटम लेवल पर जो पर्सन रहते हैं, जो लेबर काम करते हैं, वो सोचते हैं कि आज का काम आज ही कैसे कंप्लीट किया जा सकता है। ये कौन सोचेंगे, जो बॉटम लेवल पर हो गए। यानी कि तीनों के तीन ही लेवल पर प्लानिंग होती है। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ कोई भी बात प्लानिंग के सिवाय नहीं कर सकते। यानी कि प्लानिंग कैसे परवेसिव है, तीन ही लेवल पर मिलती है। इसकी मैंने प्लानिंग कैसे बहुत बड़े पैमाने पर है, सीनियर मिडल एंड बॉटम तीन लेवल पर हमें प्लानिंग मिल सकती है। नंबर फाइव, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कोई भी एक बार करके छोड़ दिया जा सकता है क्या? एक बार हमने डिसाइड किया कि हमें 90% स्कोर लानी है तो लानी है, बस कंप्लीट खत्म। लेकिन कैसे लानी है ये कौन सोचेगा, ये तो हमें करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो हमें प्लानिंग के बारे में और गोल डिसाइड करके नहीं चलेगा, तो उसके लिए कंटिन्यूअस प्लानिंग यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस करनी पड़ेगी। कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, साथ एक बार प्लानिंग करके नहीं छोड़नी पड़ती। कोई सब्जेक्ट हार जाए तो उसके रिगार्डिंग और ध्यान देना पड़ता है। समझो कोई इजी सब्जेक्ट है तो उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकते, उसको भी उसके ऊपर भी ध्यान उतने अहमियत उसको उस सब्जेक्ट को भी देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे स्कोर नहीं बढ़ पाएंगे। इसका मतलब प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग कोई एक बार करके नहीं छोड़ सकते, उसको कंटिन्यूअसली देखना पड़ता है। टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन एज अ गोइंग कंसर्न इज एसेंशियल टू दैट प्लानिंग मस्ट बी डन कंटिन्यूअसली। कोई भी बिजनेस कंटिन्यू रखने के लिए, बिजनेस कंटिन्यू चलाने के लिए आपको पास कंटिन्यू प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट नंबर सिक्स नंबर का प्लानिंग का फीचर है इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव। प्लानिंग में एक चॉइस होती है, चॉइस करनी पड़ती है, जो हमारे पास अलग अलग तरीके के अल्टरनेटिव होते हैं। कोई भी काम करने का एक मार्ग एक तरीका नहीं होता है, एक काम करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके होते हैं। उस बहुत सारे तरीके में से एक अल्टरनेटिव, एक चॉइस हमें पकड़ना पड़ता है, उस पाथ पर हम काम करते हैं। तो हमें पता चलता है कि उस पाथ हम पहले डिसाइड करने के लिए चॉइस करते हैं कि जो हमारे पास अलग अलग मार्ग है, अलग अलग पाथ है, अलग अलग अल्टरनेटिव है, उसमें से एक अल्टरनेटिव चॉइस करना है, एक पाथ चॉइस करना है, उसके तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे कि अलग अलग फ्रेंड, हम दो फ्रेंड अलग अलग है, समझो हम स्टडी करना चाहते हैं, तो कोई रट्टा मारते हैं यू, जो वर्ड के वर्ड टू वर्ड चॉइस याद रखने का रट्टा मारने का प्रयास करता है वर्ड टू वर्ड, और दूसरा वाला सोचता है कि इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से वैसे याद किसे किया जाए, इसे सिंपल ट्रिक चॉइस करता है। यानी कि अल्टरनेटिव अलग अलग पर्सन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। यानी कि प्लानिंग ये कि एक ही पर्सन अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन में कर सकता है। प्लानिंग क्या है, नथिंग बट इज अ चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव, चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव, अलग अलग चॉइस में से एक चॉइस चॉइस करना, जो हमारा काम जल्द से जल्द अच्छी तरह से कंप्लीट करवा सके। ओके, नेक्स्ट नंबर सेवन, प्लानिंग इज अ कंसर्न विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। प्लानिंग इज कंसर्न विथ, प्लानिंग कंसर्न है किसके साथ, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। ग्रुप ऑब्जेक्टिव एक्वायर करने के लिए प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग उसी के लिए ही की जाती है। प्लानिंग ग्रुप ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया वाला एक्वायर करने के लिए, अचीव करने के लिए की जाती है। प्लानिंग इज थस एम एट द सेटिंग ग्रुप गोल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल रेदर देन द कंसंट्रेशन ऑन द इंडिविजुअल गोल। प्लानिंग के तहत ग्रुप गोल डिसाइड किया जाता है और ग्रुप गोल एक्वायर करने के लिए प्लानिंग की जाती है रादर देन इंडिविजुअल गोल। किसी सिंगल पर्सन का गोल, सिंगल पर्सन के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होगा, ये सोचे बगैर पूरे बिजनेस के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमारे बिजनेस का क्या इंपैक्ट हो सकता है, हमारा बिजनेस कहां तक चल सकता है। यानी कि ग्रुप ऑब्जेक्ट यहां पर डिसाइड करना पड़ता है। ये कहां पर होता है, प्लानिंग में होता है। दिस इज अ सेवेंथ नंबर का फीचर है। ओके, नेक्स्ट लास्ट फीचर है, प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल। प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल, प्लानिंग हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमने प्लानिंग एक बार डिसाइड की है कि इसी मार्ग से चलना है,
इसी मार्ग से चलना है, पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभार ऐसे भी सिचुएशन आ जाते हैं कि हमें मार्ग हमारा बदलना पड़ता है, हमें डाइवर्ट होना पड़ता है। जैसे कि आज की सिचुएशन, वर्ल्ड की सिचुएशन इतनी खराब आ गई कि हमें घर पर बैठना पड़ा। कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया पूरा बंद हो सकता है, पूरा वर्ल्ड स्टॉप हो सकता है। कभी किसी ने सोचा था? हमने तो कभी नहीं सोचा था, कभी एक दिन तक नहीं सोचा था कि शायद हम एक बचपन में एक छोटी जब हम छोटे थे तो सोचते थे कि शायद ये वर्ल्ड रुक जाए तो नहीं, रुक गया। ये सिचुएशन आ गई ना, इसका मतलब हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल प्लानिंग। 100% आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, विदाउट प्लानिंग आप काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्लानिंग फिक्स कर दे, आपको सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब प्लानिंग कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, होनी चाहिए। दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ प्लानिंग। नो प्लान इज रिगिड। रिगिड यानी कि कठोर। हमारे प्लानिंग फिक्स यानी कि रिगिड नहीं होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल यानी कि लवचिक, जैसे सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारा प्लान चेंज होना चाहिए। व्हेन अ प्लान इज अडॉप्टेड इट चार्ट आउट ऑफ द डेफिनेट कोर्स ऑफ द एक्शन। कोई भी एक्शन हम फिक्स नहीं कर सकते, सिचुएशन के हिसाब से हमारा प्लान एक्शन चेंज होने चाहिए। बट द फ्यूचर अजम्पशन अपॉन विच द प्लानिंग इज बेस मे फोर्स मैनेजर्स टू चेंज द ओरिजिनल प्लान। जो मैनेजर ने प्लान ओरिजिनल डिसाइड किया है वो प्लान कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना पड़ता है। ओके, दीज आर दी 8 फीचर ऑफ द प्लानिंग। ओके, मैं फिर से दोहराता हूँ, ये अलग अलग है। पहला है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज अ परवेसिव, बहुत बड़ी प्लानिंग है, तीन लेवल पर मिलती है। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी एक बार करके छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट इन्वॉल्व चॉइस बिटवीन द अल्टरनेटिव्स। ओके, प्लानिंग में अलग अलग अल्टरनेटिव में से एक अल्टरनेटिव चॉइस करना पड़ता है जिसके जरिए हम हमारा गोल अचीव कर सके। ओके, नेक्स्ट प्लानिंग कंसर्न विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट। प्लानिंग के तहत हम ग्रुप ऑब्जेक्टिव एक्वायर करने का सोचते हैं, एक्वायर करते हैं। लास्ट वन, प्लानिंग इज अ फ्लेक्सिबल। प्लानिंग हमारी रिगिड नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। दीज आर दी 8 फीचर ऑफ प्लानिंग। चलो अब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ओके, यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज अब देखेंगे प्लानिंग लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशन क्या है? हर बंदे के लिए, हर एक चॉइस के लिए, हर कॉइन की दो साइड होती है। जैसे कि एक कॉइन है तो उसके साइड दो साइड होती है, एक पॉजिटिव होते एक नेगेटिव होते। प्लानिंग सही भी है गलत भी है। कुछ काम विदाउट प्लान करने पड़ते हैं तो कुछ काम प्लान के सिवाय नहीं किए जा सकते। जैसे कि अब कोरोना अचानक महामारी बनकर आ गया तो ऑन द स्पॉट कुछ कठोर यानी कि रिगिड डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। ओके, ऐसे सिचुएशन में प्लानिंग काम नहीं करती है जो हमने डिसाइड की है। प्रीडिटरमाइंड प्लानिंग तो प्रीडिटरमाइंड ही होती है, तो प्लानिंग हर जगह पर लागू नहीं होती। हमने प्लानिंग के फीचर क्यों देखे, प्लानिंग की अच्छी बातें तो देखी, अब देखेंगे प्लानिंग के लिमिटेशन क्या है। फर्स्ट लिमिटेशन, इनएक्यूरेसी। प्लानिंग इनएक्यूरेट हो सकती है, यह नहीं बोल रहा है यहाँ कि प्लानिंग इनएक्यूरेट ही होती है, प्लानिंग इनएक्यूरेट हो सकती है। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग फोरकास्ट मे नॉट लीड द डिजायर रिजल्ट। जो हमने प्री डिटरमाइंड रिजल्ट डिसाइड किए थे वो रिजल्ट मे भी एक्वायर हो सकते, मे नॉट भी हो नहीं सकते। मे नॉट बी, ये दोनों बातें प्लानिंग में होती है। तो प्लानिंग जो डिसाइड की है, प्लानिंग के तहत जो हमने डिसाइड किया है वो एक्यूरेट ही होगा, ये संभव नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से एक्यूरेट भी हो सकता है, इनएक्यूरेट हो भी सकता है। जैसे कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज 49,000 क्रॉस कर चुका था, 41,000 सेंसेक्स जो हमारा था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 41,000 क्रॉस कर चुका था। अब देखो 30,000 के नीचे डाउन पेमेंट लगा, डाउन लगाया था उसने, 30,000 तक का डाउन आ गया है। अभी 30,000 के ऊपर नीचे कुछ तो चल रहा है, आसपास ही चल रहा है। इसका मतलब 41,000 से सीधा 30,000, ये पॉसिबल है। इसका मतलब प्लानिंग इनएक्यूरेट हो सकते सिचुएशन के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट यानी कि दिस इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग का लिमिटेशन है। नेक्स्ट है टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग बहुत बड़ा टाइम लेती है, कोई भी प्लानिंग कर रही है तो विदाउट
टाइम दिए बगैर हम प्लान नहीं कर सकते, प्लानिंग के लिए कोई बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। तो कई एक बहुत सारे लोग बोलते भी, इतने थिंकिंग ज्यादा करोगे, इतना विचार ज्यादा करोगे तो काम कब करोगे, सोचो मत काम करो। यानी कि पूरी प्लानिंग ये नहीं करनी, आपको काम भी करना है। यानी कि प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग, टाइम चाहती, विदाउट टाइम प्लानिंग कर ही नहीं सकते। काम करने से पहले उसके बारे में सोचना, यानी कि उसको काम करने से पहले कुछ टाइम देना, यही होता है टाइम कंज्यूमिंग। तो एक लिमिटेशन है प्लानिंग का, प्लानिंग करने के लिए टाइम देना पड़ता है, दिस इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का लिमिटेशन है। विदाउट टाइम दिए बगैर हम प्लानिंग नहीं कर सकते। ओके, प्लानिंग इज ऑल द प्लानिंग इन्वॉल्व डिटर्मिनेशन ऑफ द मेजर गोल टू द अचीव, जो गोल अचीव करना है उसके बारे में डिटरमाइन करना पड़ता है। इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड इन्वॉल्व द एनर्जी टाइम एंड मोबालाइजेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स हमारे वेस्ट हो जाते हैं, प्लानिंग काम होने से पहले बहुत पहले करनी पड़ती है और उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। तो टाइम कंज्यूमिंग है प्लानिंग। ओके, दिस इज सेकंड लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग। नेक्स्ट नंबर थर्ड, रिगिडिटी। प्लानिंग तो फ्लेक्सिबल होती है, हमने देखा है फ्यूचर में, लेकिन लिमिटेशन के तहत हमने प्लान डिसाइड कर दिया, हम रिगिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है जो हमने डिसाइड किया वही सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उस प्लानिंग को मैं रिवाइज नहीं करूंगा, उस प्लानिंग को रिवाइज करूंगा क्या, नहीं करूंगा। जैसे कि हमारे ओल्ड पर्सन है, यानी कि हमारे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, वो कुछ बातें सुनते नहीं, उनके हिसाब से करना चाहते, या छोटे बच्चे भी, उनका एक खुद का एक मानना होता है कि ऐसे ही करना होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो उसके तहत वह करने का सोचते हैं। तो प्लानिंग कैसे होती है, रिगिड होती है। हमने कुछ डिसाइड किया तो उसी तरह करने का सोचते हैं, यानी कि कुछ हद तक रिगिडिटी प्लानिंग में आ जाती है, प्लानिंग करते हो तो। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग का लिमिटेशन है। ओके, प्लानिंग इज ऑफन गिवन सम अमाउंट ऑफ रिगिडिटी टू इट्स पॉलिसीज, पॉलिसीज को कुछ हद तक रिगिडिटी प्रदान करती है प्लानिंग। ओके, विदाउट रिगिडिटी प्लानिंग बन ही नहीं सकती। प्लान करते इसका मतलब काम कैसे किया जा सकता है, डिसाइड किया जाता है पहले से ही। ओके, तो प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, रिगिडिटी कुछ ना कुछ कुछ हद तक आ जाती है। ये नहीं बोलना है कि यहाँ पर रिगिड ही होती है प्लानिंग, बस कुछ हद तक रिगिडिटी आ जाती है। ओके, प्रोसीजर्स प्रोग्राम्स एंड मेथड्स, अ बैलेंस बिटवीन द स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्लानिंग इज टू बी मेंटेन। तो प्लानिंग के तहत प्रोग्राम डिसाइड किए जाते हैं, मेथड्स डिसाइड किए जाते हैं, पॉलिसी डिसाइड किए जाते हैं, प्रोग्राम डिसाइड किए, पूरे काम प्लानिंग में डिसाइड किए जाते हैं पहले से। इसका मतलब कुछ हद तक यहाँ पर रिगिडिटी आ जाती है। नेक्स्ट नंबर फोर, कॉस्टली। प्लानिंग कॉस्टली, प्लानिंग करने के लिए टाइम लगता है, अदर रिसोर्सेज लगते हैं, जैसे कि मनी लगते हैं, कैपिटल लगता है, लोगों को काम स्टार्ट होने से पेमेंट देना पड़ता है, काम स्टार्ट होने से पहले ही जमीन खरीद कर रखने पड़ती है, और उसका रेंट भी हमें चुकाना पड़ता है कभी कभार, जमीन हमारी नहीं तो हम रेंट देना पड़ता है। प्लानिंग के तहत हमें कुछ बातें पहले से करनी पड़ती है जिसका कॉस्ट हमें बियर करना पड़ता है, यानी कि प्लानिंग कॉस्टली हो जाती है कभी कभार, हर जगह पर नहीं लेकिन बहुत जगह पर प्लानिंग कॉस्टली हो जाती है, प्लानिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। प्लानिंग इज कॉस्टली बिकॉज इट रिक्वायर द मनी टाइम एंड इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग कॉस्टली है क्योंकि उसको मनी भी लगता है, टाइम भी देना पड़ता है, और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा लगती है। तो हमारी प्लानिंग कैसे है, एक दिस इज लिमिटेशन, ये प्लानिंग के लिमिटेशन पड़ रहे। ओके, कॉस्टली, हमारी प्लानिंग कॉस्टली चलती है। नेक्स्ट नंबर फाइव, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एटीट्यूड, किसके एटीट्यूड, मैनेजमेंट जो करने वाले पर्सन है उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करेगा कि हाउ टू बी प्लान, प्लानिंग कैसी होगी, हमारा बिजनेस किस तरह से रनअप करेगा, किस तरह से बूमअप करेगा, किस तरह से चलेगा, ये सारी बातें कहां पर डिसाइड की जाती है, प्लानिंग में। प्लानिंग करते कौन है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में मैनेजर, तो मैनेजर का एटीट्यूड किस तरह से चलता है उस तरह से प्लानिंग हमारी चलती है। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो पर्सन मैं जो सोचता हूं वही बात सब जन नहीं सोच सकते। ओके, आप अलग सोचोगे तो मैं अलग सोचूंगा, इसका मतलब प्लानिंग कभी ना कभी मेरे एटीट्यूड पर, मेरी प्लानिंग मेरे एटीट्यूड पर डिपेंड कर सकती है। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, ये प्लानिंग का लिमिटेशन है। ओके, गुड प्लानिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। अच्छी प्लानिंग करना एक प्रोसेस है बिजनेस की, प्रोसेस, विदाउट प्लानिंग काम ही कर ही नहीं सकते, हमने पहले ही देखा है। ओके, इट इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इट इज अ रिक्वायर्ड ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ पेपर वर्क एंड टाइम।
यहाँ पर बहुत ज्यादा पेपर वर्क भी करना पड़ता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम भी देना पड़ता है. मोस्ट मैनेजर वुड नॉट बी लाइक द अंडरगो सच एज अ पेनफुल प्रोसेस एंड प्रीफर द बिकम अ डोरेस रेदर देन द थिंकर. कुछ पर्सन कुछ थिंकर का मानना है तो इतना बड़ा टाइम प्राणी के ऊपर देना, बाद में उसके ऊपर काम करना, उसके ऊपर इतनी सारी लिमिटेशन है, और मैनेजर जो सोचेगा उसके तहत प्लानिंग बनेगी, बाकी के लोगों का कौन सोचेगा. तो यही बात, यही तो दिक्कत है, दिस इज लिमिटेशन है, ये प्लानिंग का लिमिटेशन है, लोगों के एटीट्यूड पर डिपेंड. कोई बोलता है कि अरे सोचो बगैर चलो ना यार, देखेंगे आगे का आगे क्या होता है, ये विदाउट प्लानिंग चलने वाले पर्सन है. कोई सोचता है अरे आगे कुछ हो जाए तो यानी कि प्लानिंग करना पड़ता है. यानी कि दोनों तरीके के पर्सन हमारे पास होते हैं, यानी कि प्लानिंग एटीट्यूड पर डिपेंड करेगी, या करना चाहते हो या नहीं चाहते. दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. नेक्स्ट नंबर 6, फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम. फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम. प्लानिंग के डिजाइन है अलग अलग, जो हम नीचे देखेंगे प्लानिंग के डिजाइन है, डिजाइन में भी फॉल्टी हो सकते हैं. प्लानिंग के डिजाइन में भी फॉल्टी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन अपने अलग तरीके की सोच रखता है, हर पर्सन अपने खुद के अलग तरीके की सोच रखता है, इसीलिए फॉल्टी डिजाइन प्लानिंग का हो सकता है. समझो कि सोचो कि राजस्थान जो जहां पर रेत ज्यादा है, पानी का अभाव है, या मैं वहां जाकर मैं गन्ने का खेत पकाना चाहता हूँ, गन्ना पकाना चाहता हूँ, हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? नहीं. क्यों? गन्ने का खेत पकाने के लिए, बी बोने के लिए या गन्ने के खेत उगाई करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर लगता है, तो वहां रेत है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता, तो वहां से गन्ना कहाँ से आएगा? यानी कि फॉल्टी से मैं तो गन्ने के खेती करना अच्छी बात है, लेकिन वहां जाकर कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं. जैसे कि स्ट्रॉबेरी की जो प्रोडक्ट होते हैं, स्ट्रॉबेरी जो भी है हमें हमारे खेत में लगाना है. स्ट्रॉबेरी कहाँ आते हैं? जहां पर कोल्ड नेचर, एटमोसफेयर ठंडा है, वहां पर स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह से आ सकते हैं. मराठवाड़ा में तो जनरली ऐसा कोल्ड सिचुएशन, जनरली विंटर भी उतना कोल्ड नहीं होता जितना हमें लगता है, जितना होना चाहिए. स्ट्रॉबेरी वहां नहीं आ सकती, इसका मतलब तो स्ट्रॉबेरी हम लगा सकते हैं क्या? नहीं. स्ट्रॉबेरी कहाँ आएगी? विंटर, जहां पर कोल्ड एटमॉस्फेयर है वहां पर आएगी. तो कई प्लानिंग फॉल्टी हो सकते हैं यदि सिचुएशन के हिसाब से प्लानिंग नहीं की जा सके तो. ओके, देखिए फॉल्टी डिजाइन ऑफ प्लानिंग सिस्टम, लैक ऑफ रिवार्ड. फॉल्टी डिजाइन क्यों हो सकती है प्लानिंग? ओके, दिस इज लिमिटेशन. क्या है फर्स्ट डिजाइन रॉन्ग कौन से? लैक ऑफ रिवार्ड. जो प्लानिंग करने वाले पर्सन है उसको कुछ रिवार्ड मिलेगा क्या? पॉसिबल है? किसने सुना है किसने प्लान किया है, उसने अच्छा प्लान किया है, इसके लिए उसको रिवार्ड किया जाएगा? नहीं. तो इसका मतलब जो प्लानिंग करने वाला पर्सन है वो मे भी जानबूझकर भी फॉल्ट प्लानिंग में कर सकता है, क्योंकि उसको अलग से कुछ नहीं मिलने वाला प्लानिंग के तहत. लेकिन जब कुछ दिक्कत आएगी और तब वो दिक्कत वो सॉल्व करेगा, तो उसके रिगार्डिंग उस काम करने के तरीके से उसको कुछ मिलेगा. यानी कि डिजाइन करते समय, प्लानिंग करते समय वो फॉल्टी कर सकता है, लिमिट कर सकता है. दिस इज लिमिटेशन बताया गया.